जब इंसान अल्लाह के अहकाम को बजा लाए तो उसके दिल से फकर का खौफ निकल जाता है और अल्लाह उसे तरह तरह के इनामत से नवाजता है इंसान जब तक अल्लाह के अहकाम को बजा लाता रहेगा तब तक अल्लाह की नुसरत और उसकी तयद शामिल हाल रहेगी चुनाचे जू ही हाजरा को पता चला की उन्हें तनहा छोड़ जाना अल्लाह के हुक्म की बिना पर है तो फौरन यकीन भरे लहजे में बोली तब अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा ये कहकर वो अपने शीर खार बच्चे की तरफ पलट गए खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गए पानी का एक कतरा पास न रहा अब पानी की तलाश शुरू की लेकिन अपने लिए तो दरकिनार माँ को बेटे के लिए भी पानी न मिला न खुराक अब बच्चा लगा भूख से बिलकने खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था औरत कितनी हो अपने बच्चे को भूख से बिलकते नहीं देख सकती अब उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और तेजी से करीबी पहाड़ी सफा की तरफ लपकी ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए जब कुछ नजर न आया तो नशेब की तरफ चली साथ में बच्चे की तरफ भी देखती जाती थी नशेब में पहुंची तो बच्चा नजरों से ओझल हो गया इस पर और बेचैन हुई और बुलंदी की तरफ दौड़ी इस तरह मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई तरफ निगाह दौड़ाई लेकिन कुछ नजर ना आया ख्याल आया कि फिर कोशिश करनी चाहिए इस ख्याल से मरवा पहाड़ी से उतरी और सफा की तरफ चल दी दरमियान में नशेब की वजह से बच्चा नजर ना आया तो दौड़ने लगी इस तरह फिर सफा पर चढ़ गई अल्लाह वक्त पर एक तो औरत जात कमजोर फिर भूख प्यास से निढाल इस पर किस कदर सही और कोशिश में मसरूफ वो भी अपने बच्चे के लिए बहरहाल बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान सात चक्कर लगाए यही वजह है मुसलमान आजमीन हज सफा मरवा के दरमियान सही करते हैं ताकि इस वाकई की याद ताजा हो जाए जब वो आखिरी मरतबा मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी आवाज़ इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आई थी उन्होंने पूरी तवज्जो से आवाज को सुनने की कोशिश की और जल्दी से इस्माइल के करीब पहुंची। क्या देखती हैं? इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस साबरा खातून की मदद के लिए भेजा था उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल के कदमों के पास से एक अजीम रहमत नमूदार हुआ मुस्तबिल के पैगम्बर के कदमों के नीचे से अल्लाह ने जबरील फरिश्ते के जरिए जमीन फाड़ कर पानी निकाल दिया यही जमजम का आगाज था हाजरा पानी को आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देख रही थी उनकी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है जमीन हमवार थी इसलिए उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए फिर उन्होंने उस गढ़े के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से बोली, जम जम। इसका मतलब है रुक जा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का फरमान है, رحمة الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت ل كانت زمزم عينا معينا अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए अगर वो जल्दबाजी से काम न लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता लेकिन उन्होंने इसलिए उन्होंने पानी को अपने पास जमा कर लिया ताकि बहकर जय न हो जाए उन्होंने इस्माइल को पानी पिलाया खुद भी खूब पिया और ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी वहां कोई और इंसान नहीं था ना खाने की कोई चीज थी बस यही आबे जमजम उनके लिए खाने और पीने का काम दे रहा था अब चूंकि जमजम एक चश्मा बन गया था इसलिए परिंदे भी आने लगे उन्हीं दिनों अरब के कबीलों में से एक कबीला बनु जुर्म यमन को खैरबाद कहकर इस तरफ आ रहा था यमन में एक बहुत बड़ा डैम था पहाड़ों के दरमियान उन्होंने पानी को रोककर एक बहुत बड़ा बंद कायम कर रखा था उससे पूरा साल आसानी से खेती बाड़ी करते थे इस डैम की बदौलत उनका आबपाशी का निजाम बहुत अच्छा था जब उस डैम को अल्लाह ताला ने तोड़ा तो तमाम लोग वहां से मुंतशिर हो गए और जजीर अरब के अतराफ में मुंतकिल होने लगे वहीं से हिजरत करने वाला एक कबीला बनू जुर्म था ये लोग बुनियादी तौर पर अरब थे ये कबीला सफर में रहता जहाँ कहीं पानी और चिरागाह नजर आते वहीं पड़ाव डाल देते जब वहां खुराक खत्म हो जाती तो आगे सफर शुरू कर देते वो बहुत बड़े ताजिर थे इस बिना पर उन रास्तों से खूब वाकिफ थे उन्हें चश्मों का खूब इल्म चुनाव के शाम की तरफ भी उनकी आमदो रफ्त थी कबीला बनु जुरहम मक्का के करीब पहुंचा तो फिजा में परिंदों को मंडलाते पाया कहने लगे इन परिंदों की मौजूदगी में जरूर कोई राज है अब उन्होंने अपने कुछ आदमी उस तरफ भेजे ये लोग जल्द ही चश्मे तक पहुंच गए उन्होंने वहां एक औरत और उसके बच्चे को पाया फिर वो लोग उनके पास आए वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी सैयदा हाजरा ने फरमाया ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उजरत अदा करना होगी उनके लिए यह सस्ता सौदा था उनके पूरे कबीले को सामान्य जिंदगी मिल रहा था जबकि सिर्फ एक औरत और उसके बेटे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो रही थी उन्होंने फौरन हामी भर ली और वहां रिहायश अख्तियार कर ली इस तरह ये लोग सैयदा हाजरा की मीशत का जरिया बन गए और इस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुर्म में परवरिश पाते रहे उन्होंने उन लोगों से अरबी सीख ली और उनसे भी ज्यादा अरबीदान बन गए फसाहत और बलागत से अरबी में बातचीत करने लगे फिर उनकी इस कबीले में शादी हो गई उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ इन्ही में से सरवर कायनात वसल्लम की विलादते बासादत हुई बनू जुरहम की आमद और आबादी इब्राहिम की दुआ का नतीजा थी जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे यानी दो कमजोर इंसानों को इस वीरान जगह छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी हमारे मैंने अपनी कुछ औलाद इस बे आबाद जंगल में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस वक्त बैतुल्लाह की तमीर हो चुकी थी दुरुस्त बात यह है कि उस वक्त खाना काबा की तामीर नहीं हुई थी फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहिम के जमाने से पहले इसकी तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह ही मारूफ थी इस बारे में दो तरह की है। बाज में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज में है कि इब्राहिम से पहले शीस अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और वो गर्दिश अयाम के साथ साथ मुनहदिम होकर खत्म हो गया लेकिन बहर हाल इसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है इनबूदी अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुक्र किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من हमारे परवरदिगार मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है अमारे परवरदिगार ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें पस्तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोज़ियां आता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहम के माहौल में उम्र की मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने के करीब हो गए इब्राहिम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे जब इसमाइल अल्सम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया हुआ यू कि एक मरतबा इब्राहिम मक्का तश्फ लाए एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लखते जिगर को अपने हाथ से जबा कर रहे हैं साथ ही आंख खुल गई इब्राहिम सलाम जानते थे कि अंबिया किराम के, के खाब हकीकत होते हैं अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी सूरत उनके खाब में नहीं आ सकता लिहाजा उन्होंने इस खाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया किसी किस्म की परेशानी का शिकार न हुए अल्लाह रबुल्जत ने इस अजीम और ताजुब खेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم और इब्राहिम ने कहा मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा ऐ मेरे रब मुझे नेक वक्त औलाद अता फरमा तो हमने एक बच्चे की बशारत दी फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा मेरे प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे जबा कर रहा हूं, अब तू बता तेरी क्या राय है यहां सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा क्यों लिया वो चाहते तो इस्माइल को सोते में जब कर देते इस तरह अल्लाह का हुक्म बजा लाते वो बेटे के पास क्यों गए और उनसे मशवरा क्यों लिया? जी हाँ, ये मसला याद रखने के काबिल है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को अजर सवाब में शामिल करने की कोशिश करे इब्राहिम ने बेटे को स्वाब में शामिल करने के लिए उन्हें अल्लाह के हुक्म से आगाह किया ये ना चाहा कि मैं अकेला ही अजर लेता रहूं, बल्कि दूसरे की खैर खाही को पेश नजर रखा वाले आपके इस अंदाज में नसीहत मौजूद है ये के को के करें। उनकी सही तरबियत करें अगर सदका करने का मौका मिले तो बच्चों के जरिए सदका कराए ताकि उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़े जब किसी दीनी मजलिस में बैठने का मौका मिले तो अपनी औलाद को भी साथ लेकर जाए बेशुमार लोग खुद तो जाते हैं औलाद को जाने के लिए कहते भी नहीं खुद दीन सीखते हैं औलाद को दीन नहीं सिखाते इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से राय ली सुबह अल्लाह उन्होंने जवाब में फरमाया, या जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया इसलिए कि वो जानते थे अंबिया का ख्वाब हकीकत पर मबनी होता है अल्लाह की वही होता है इसलिए बिल्कुल परेशानी जाहिर न की यह तक न पूछा मुझे क्यों जबह कर रहे हैं या मेरा क्या जुर्म है या आपके पास कौन सा सरी हुक्म आया है उन्होंने ऐसी कोई बात न कही अल्लाह की फर्मा बरदारी इसी को कहते हैं चुनाचे अपने बाप से कहा अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है उसको कर गुजरिए इन आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे ओलामाए किराम फरमाते हैं इस जुमले से उनका इंतहाई अदब और एहतराम शामिल है और इसमें जबरदस्त तवक्ल मौजूद है ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे बल्कि आपने अल्लाह की मशीयत को जुमले में शामिल किया और फरमाया इन शह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे लिहाजा मुसलमानों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए ये न कहे मैं सफर करूँगा मैं फुला काम करूंगा मैं फुला काम के करने की ताकत रखता हूँ बल्कि यूं कहे अल्लाह ने चाहा तो मैं सफर करूँगा अल्लाह ने चाहा तो फुला काम करूँगा अपने इल्म और ताकत के धोखे में पड़ना सरासर नादानी है हर चीज का ताल्लुक अल्लाह से कायम करे जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं और हरगिज हरगिज किसी काम पर यू न कहना कि मैं इसे कल करूंगा मगर साथ ही इन कह लेना अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से सजा कर रखो और हमेशा अपने मामला को अल्लाह की तरफ लौटाओ बहर हाल बाप बेटा दोनों ही मुसम्मम इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम सैयदना इब्राहिम से कहा जब आप मुझे जबह करने लगे तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाए चेहरा देखकर आप पर शफकत पिदरी गालिब न आ जाए अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी पकड़कर जमीन पर लिटा दिया जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी लेकिन छुरी ने गर्दन न काटी बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया था इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती अल्लाह ने दोनों से ये ताकतें सल्ब कर ली अब इब्राहिम जोर लगा रहे हैं उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अब्बा जान जल्दी कीजिए छुरी चलाइए अल्लाह ताला ने इस वाक का जिक्र यूं फरमाया है जब वो दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया इस मुती होने से मुराद अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है अब जाहिर है मुती तो वो पहले भी थे लेकिन यहाँ असलमा यानी मुती होने से मुराद कामिल इस्लाम है हायत वाज़े और हकीकी इस्लाम मुराद है इसलिए कि कामिल इस्लाम वही होता है जिसमें बगैर किसी तरद और तवकफ के अल्लाह के अमर और नहीं की तस्दीक की जाए ये था हकीकी इस्लाम हाँ तो छुरी चलती रही गला न कटा इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश की तकमील हो चुकी थी ये बात साबित हो चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में दोनों पूरी तरह कोशा है अल्लाह तभी भी बरदारी ही का सिला अता फरमाते हैं चुनाचे आवाज आई खुद खुद खुत इज इहूल बल उल्म हमने उसे पुकारा एब्राहिम इब्राहिम तूने खाब को सच कर दिखाया, यकीनन हम इसी तरह नेकोकारों को जजा दिया करते हैं यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी तारीख का एक अजीम तरीन इम्तिहान और कड़ी आजमाइश दुनिया को आज भी हैरत में डाल देती है कौन है जो बेटे को जबह करने पर तैयार हो जाए खास तौर पर इस सूरत में जब औलाद भी इकलौती हो जिसकी वजह से छियासी साल के बाद आंगन में बाहर आई हो फिर उसकी कुर्बानी का भी वाज हुक्म नहीं दिया गया था इशार में रहनुमाई की गई थी आप कह सकते थे ये और संगीन जुर्म है कह सकते थे अपने बेटे को किस जुर्म में कत्ल करूं? लेकिन आपने बगैर किसी तामुल के सरे तस्लीम हम कर दिया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुए अल्लाह फरमाते हैं और इब्राहिम वो हैं जिन्होंने वफादारी की इस आयत में ये नहीं बताया गया कि किस चीज में वफादारी की इसलिए कि वो तो हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहरा कर चुके थे आग में डाले जाने वाला मामला बीवी और बच्चे को लकोदक मैदान में छोड़ आने का मामला फिर जबह का इम्तिहान, तामीर बैतुल्ला की मशक्कत गरज हर मामले में वफादार थे के के अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इस कदर वफादार के, के लकब से मशहूर हो गए इसका माना है मेहमान नवाज किसी मेहमान को दस्तरखान पर अपने साथ बिठाए बगैर एक लुकमा नहीं खाते थे बाहर निकलते मेहमान तलाश करते फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते मेहमान न मिलता तो सख्त गमगीन हो जाते इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की जबाह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया अल्लाह फरमाते हैं हमने उसे अजीम ज़बीहे का बदला अता किया हाँ तो हम बता रहे थे छुरी ने गला न काटा ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी आवाज पीछे से आई थी उन्होंने मुड़कर देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए वो आसमान से एक मेढा लेकर आए थे दुनिया के मेंढों में से नहीं बल्कि जन्नत का मेंढा लाए थे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह से रिवायत है कि वो मेढा जन्नत में चालीस साल तक चरता रहा सफेद रंग कुशादा आंखों खूबसूरत सींगों वाला हसीनो जमील मेढा था बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी का बदला था जो इस्माइल सलाम के में दिया गया और पूरी फदत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहे काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है और उनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खितों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं मेंढे के जिक्र का मतलब ये है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर गामजन हो जाएं ये मेंढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है हमें चाहिए सुन्नत इब्राहिमी की इक्तदा करते हुए हम अपनी जानों अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए अल्लाह ताला फरमाते हैं وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين और हमने उसे अजीम जबीहा अता किया और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा सलामती हो इब्राहिम पर इसी तरह ही हम नेकोकारों को जजा देते हैं यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था